कटनी में ग्रामीणों ने जनपद कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की और पंचायत सचिव के स्थानांतरण को रोकने की मांग की। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि स्थानांतरण अगर खारिज नहीं हुआ तो राष्ट्रीय राजमार्ग 43 को जाम कर दिया जाएगा। कटनी की बंदरी ग्राम पंचायत में पदस्थ ग्राम सचिव ब्रज किशोर मिश्रा के ट्रांसफर का आदेश जारी कर उनका ट्रांसफर गुनाकला ग्राम पंचायत में कर दिया गया है, जिसके बाद से प्रशासन को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इस आदेश के विरोध में ग्रामीणों ने जिला पंचायत सीईओ को ज्ञापन भी सौंपा, जिसके माध्यम से ग्रामीणों ने सचिव ब्रज किशोर मिश्रा के स्थानांतरण आदेश पर तत्काल रोक लगाए जाने की मांग की और सचिव मिश्रा ने गांव में जितने भी निर्माण कार्य कराए हैं उनकी निष्पक्ष जांच की मांग रखी। इन्हीं मांगों को लेकर छात्र नेता मोहम्मद इसराइल के साथ सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण बड़वारा जनपद कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर नारेबाजी की। ग्राम पंचायत गुड़ा कला में सचिव होने के बावजूद भी प्रशासन के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है कि ब्रजकिशोर मिश्रा जी को गुड़ा पंचायत में पदस्थ किया जाए, जो कि सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से पूर्णतः गलत है, चूंकि वो बुलाए हुए हैं गुड़ा कला के ही मूल निवासी हैं और उनकी पदस्थापना उस पंचायत में नहीं हो सकती। इसी का विरोध करते हुए आज ग्रामीणों के साथ हमने ज्ञापन दिया, धरना प्रदर्शन किया है। हमारी मांग पूरी न होने पर NH-43 को हमारे द्वारा जाम किया जाएगा, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।